स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। यूपी के संभल जिले में भी पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने पुलिस लाइन बहजोई में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीद पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक संभल व सभी क्षेत्राधिकारियों सहित तमाम पुलिसकर्मियों ने शहीद पुलिसकर्मियों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं एसपी यमुना प्रसाद ने शहीदों के नाम पढ़ने के साथ ही उनकी शौर्य गाथा सुनाई। स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक संभल ने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को हमारे देश के प्रत्येक पुलिस बल द्वारा पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस अपने कर्तव्य पालन में संवेदनशीलता, समर्पण और बलिदान का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले पुलिस कर्मियों की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इस दिन हम उन वीर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने राष्ट्र व समाज की रक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति दी है। कर्तव्य निर्वहन के दौरान राष्ट्र के लिए शहीद हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों की याद में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। अधीक्षक श्री देवेंद्र मिश्र, उप निरीक्षक श्री अनूप कुमार सिंह, उप निरीक्षक श्री महेश कुमार यादव, उप निरीक्षक श्री नेबूलाल, मुख्य आरक्षी श्री जितेंद्र कुमार मौर्य, आरक्षी श्री जितेंद्र पाल, आरक्षी श्री सुल्तान सिंह, आरक्षी श्री राहुल कुमार, यौम आरक्षी श्री बबलू कुमार सम्मिलित हैं। कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान करने वाले इन वीरों के पराक्रम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश पुलिस बल गौरवान्वित है। यौम इनके इस त्याग के लिए सदैव इनका ऋणी रहेगा। जनों का बलिदान राष्ट्र के प्रति सच्ची भक्ति के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण का अनुपम उदाहरण है, जो प्रत्येक दशा में कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं इस पुनीत अवसर पर अपने तथा प्रदेश पुलिस बल की ओर से इन सभी वीर पुलिसजनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही उनके परिवार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव उनके साथ है।